हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्च रूम घर। सो आज मैं एक और बार आ चुकी हूँ आपको प्रोवाइड करने बजट फ्रेंडली हाउसिंग। अगर आपने अभी तक अपने सपनों का घर बुक नहीं किया है एंड आप हमेशा से चाहते थे एक ऐसे टाउनशिप में घर लेने जहाँ आपको प्रोवाइड किया गया है सारी एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो रेडी टू मूव इन भी हो, देन आपको ये प्रोजेक्ट एंड इनके घर बहुत पसंद आने वाले हैं। एज ऑलवेज बिफोर मैं बात करूँ अबाउट कनेक्टिविटी, लोकेशन एंड मोर, आप एक क्विक ओवरव्यू ले लीजिए प्रोजेक्ट का। कनेक्टिविटी तो यहाँ से आपको डोंबिवली स्टेशन हो जाता है 11 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, जहाँ आप आराम से 25 मिनट्स में रीच कर सकते हो। लोधा आपको प्रोवाइड कर रहा है बस फैसिलिटी टूवर्ड्स द स्टेशन। ऑल्सो जैसे कि आप देख सकते हो ये है एक हाईवे टच प्रोजेक्ट जो है बाईपास तलोजा रोड पे। यहाँ से आप आराम से नवी मुंबई एंड कल्याण ट्रैवल कर सकते हो। एरोली कटानाका फ्रीवे जिसका 90% काम हो चुका है इज जस्ट 10 मिनट्स अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट। ऑल्सो द अपकमिंग मेट्रो स्टेशन इज हार्डली गोइंग टू बी 10 मिनट्स अवे। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस एंड उनके प्राइसिंग फ्लैश हो रहे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हम आ चुके हमारे 2 BHK के सैम्पल फ्लैट में जो है 479 स्क्वायर फीट का। आपको एंटर करते ही मिल जाता है फॉयल एरिया एंड राइट हैंड साइड में आता है किचन। तो ये है हमारा 7x8 का किचन जैसे कि आप देख सकते हो। आपको पहले प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सिंक प्रोवाइडेड किया गया है। आप ऐसे ही इसे मॉड्यूलर किचन में भी कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो एंड यूटिलाइज कर सकते हो आपके किचन को। ऑल्सो आपको मिल जाता है डेडिकेटेड फ्रिज एरिया भी यहाँ पर। अब बढ़ते टूवर्ड्स आवर लिविंग रूम। सो ये है हमारा लिविंग रूम जो है 10x10 का लिविंग रूम। आप ऐसे ही यहाँ पे सिटिंग एरिया क्रिएट कर सकते हो एंड उसके सामने आप अपना कॉफी टेबल प्लेस कर सकते हो। देन अपोजिट वॉल पे आप यहाँ पे अपना टीवी माउंट करवा सकते हो।
आप जैसे कि देख सकते हो आपको मिल जाता है फ्रेंच विंडो जो आपके लिविंग रूम को बहुत ही ब्रीदेबल एंड ब्राइट बना देता है। ऑल्सो आप यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा कॉफी टेबल भी अरेंज कर सकते हो या फिर डाइनिंग एरिया क्रिएट कर सकते हो। तो ये है हमारा कॉमन बेडरूम, बट उसके सामने आपको पहले मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। तो ये हमारा कॉमन वॉशरूम जो है 8x5 का। एंड आपको यहां पे मिल जाता है यूटिलिटी स्पेस भी। So, जैसे कि मैंने आपको बताया ये है हमारा कॉमन बेडरूम जो है 9x10 का। आप यहाँ पे ऐसे बेड प्लेस कर सकते हैं, उसके बावजूद आपको काफी वॉकेबल स्पेस मिल जाता है, विच इज वेरी गुड। आपको मिल जाता है डेडिकेटेड वार्डरोब एरिया भी, एंड आप बेड के बाजू में एज आई सेड कि काफी वॉकेबल स्पेस है, आप यहाँ पे अपना ड्रेसिंग एरिया भी क्रिएट कर सकते हो। ऑल्सो आपको मिल जाता है विंडो एसी इन बोथ द बेडरूम्स। तो अब बढ़ते टुवर्ड्स आवर मास्टर बेडरूम। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम जो अगेन है 9x10 का। अगेन आप यहाँ पे बेड प्लेस कर सकते हो, उसके बावजूद आपको काफी मूवेबल स्पेस मिल रहा है जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ पे भी आपको मिल जाता है डेडिकेटेड वार्डरोब एरिया एंड फ्रेंच विंडो एंड अगेन विद अ एसी। आपको बेडरूम में ही सामने अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है, एंड ये है हमारा मास्टर टॉयलेट जो है 8x5 का। जैसे कि आप देख सकते हो आपको ऐसे ही फिटिंग्स मिल जाने वाले हैं आपके एक्चुअल वॉशरूम में भी। आपको ये डिटेल वीडियो अंक्रांतोलॉजी पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट या उसके कनेक्टिविटी रिगार्डिंग, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एंड हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी विद ऑल द डिटेल्स। ऑल्सो आप हमारे साथ साइट विजिट स्केड्यूल करवा सकते हो, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस आपके डोर स्टेप से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की गई है जहाँ से आप ब्रोशर, प्राइस चार्ट एंड फ्लो प्लान भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, एंड मैं आपको मिलूंगी विद मोर वीडियोस। अंटिल देन, बाय बाय।